मैं पार्क जाती थी अपनी छोटी बहन के साथ, वहाँ झूले लेती थी। और तो हम मॉल जाते थे, हम लॉरेंस गार्डन जाते थे, जू जाते थे, फन फैक्ट्री जाते थे, मॉल्स जाते थे, मॉल्स जाते थे। और अपनी छोटी बहन को गली में भी मैं लेकर जाती थी, वहाँ उसके साथ खेलती थी, अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, उनके घर जाके उनके साथ खेलती थी, वो मेरे घर आके खेलते थे मेरे साथ, मेरे कजन्स भी आया करते थे, मेरे बर्थडे पे भी मेरे कजन्स आते हैं, मेरे दोस्त आते हैं सारे। कोरोना फैल गया तो मैं अपनी छोटी बहन के साथ खेलती हूँ, और तो और मैं रोज़ पढ़ती हूँ ताकि जब ये कोरोना ख़त्म हो तो मैं स्कूल जाकर अच्छे से पेपर दे कर आऊँ। और मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाती, अपनी मामा बाबा की बात सुनती हूँ। मेरे बाबा ने कहा है बाहर नहीं जाना, किसी के घर नहीं जाना, मैं किसी के घर और बाहर नहीं गई। और मैं तो स्कूल भी नहीं जा सकती हूँ, तो मैं अपनी छोटी बहन को खुश रखने के लिए उसके साथ खेलती हूँ। हाथ धोए ताकि आपके जर्म्स मर जाए जो आपके हाथों में है। हैंडलों को हाथ बिला वजह मत लगाएं, बाहर मत जाए दुकानों को बिला वजह, चीजें मत खरीदें बिला वजह दुकानों पर जाके, इस वजह से आप बीमार हो सकते हैं। आप चीजें मत मांगिए, आप बाहर जाएंगे, अगर आपके पेरेंट्स बात मान लेंगे आप बाहर जाएंगे फिर भी आप बीमार हो सकते हैं, इसलिए प्लीज 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 बाहर मत जाए। ये जो हुकूमत कह रही है ये सच कह रही है। हैंडल को हाथ लगाने के बाद अच्छे तरीके से 20 सेकंड हाथ धोएं, या किसी भी चीज को हाथ लगाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं, वरना फिर भी आप बीमार हो सकते हैं। अल्लाह भी हमसे नाराज हो गए तभी ये हुआ है।